हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमन ब्लॉग्स 18। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 1 बजे से। वही सुबह का नाश्ता, झाड़ू पोछा वगैरह किया, तो फिर संडे को ना टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि वही लेट उठना होता है। क्योंकि और दिन तो ये है कि चलो 6 या 6:45 बजे उठ के आपका काम वगैरह हो जाता है जल्दी, लेकिन संडे के दिन मैं ना लेट ही उठती हूँ। मुझे सुबह की नींद बहुत प्यारी है, तो मैं 8:45 8:00 ऐसे उठती हूँ ब्रेकफास्ट पे ही। तो 8 बजे उठती हूँ, उसके बाद शायद अपने काम करती हूँ। तो काम करते करते बच गया 1, बस कपड़े सुखा के बाहर से यहाँ पे आई। मैंने कहा चलो थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट करने की रहती है कि मतलब कब क्या करें, मतलब पता नहीं चलता कि कब करें। लेकिन जब एक बार स्टार्ट हो जाता है ब्लॉग, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करने में कोई मतलब वो नहीं होती, डिफिकल्टी नहीं होती है। तो मैंने कर लिया स्टार्ट यहाँ पे ब्लॉग। और दिन के खाने की मैं बात करूँ तो मैं दिन के खाने में बनाऊँगी और पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि ना सुबह बहुत हैवी हो गया था गैस के परांठे। तो फिर अब ना मैं पुलाव बनाऊँगी, और साथ में दही है तो बस दही वगैरह बना, दही है तो वही खाएंगे पुलाव वगैरह। तो बाकी छोटा सोया है और बड़ा वाला ना ड्राइंग कर रहा है अंदर, इवन बाहर में कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट यहाँ पे। वैसे तो पहले थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखने लगती थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस मैं कर नहीं रही थी यार, लेकिन चलो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फिर हो ही जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोग के साथ, जो भी होता रहेगा दिन भर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मेरा ना मैंने कुछ ऑर्डर किया था, कुछ क्या मैंने ना ये ऑर्डर किया था। मुझे क्या है ना या मतलब मुझे चैन नहीं आता कुछ भी वो करने का। तो मैंने ना ये मंगाया था कुछ किचन को डेकोरेट करने के लिए, मतलब अच्छा लगने के लिए, क्योंकि मैंने पॉलिथीन बनाई थी ना तो वो निकल रही थी। ये थोड़ा सस्ती भी थी ना, मतलब 20 मीटर था ये 200 रुपये का, बट अच्छा नहीं निकला ये। मतलब ये वैसा ठीक है कवर वगैरह चिपकाने के लिए कॉपी वगैरह में ना, लेकिन ना ये वैसा अच्छा नहीं है। तो मैंने ना ये मंगाए थे ऑनलाइन, ये 177 के 4 हैं, और 4 मतलब इतने हैं, मतलब 1-1 मीटर तो है ये, देखो 4 मीटर है, मतलब 177 का। तो अगर आप लोगों को भी परचेस करना है तो मैं इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगी। ये मैंने मंगाया है मीशो से, और मीशो में ना ये चीज़ें बहुत अच्छी मतलब ठीक आती हैं, मतलब सजाने वजाने क्रिएटिविटी करने की। तो यहाँ पे तो मैंने चिपका लिया, अब मैं चिपकाऊंगी इधर, और आधा ना मैं इधर भी चिपकाऊंगी, तो काफी अच्छा लगने लग रहा है। शायद फाइनल में आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बने रही मेरे साथ मेरे ब्लॉग। चलिए दोस्तों, तो टाइम हो गया है 3:10, और अब चलते हैं। ये क्यों निकाला, इसको भी पहनो। ये ना यहाँ देखो, बाकी ना शाम को अभी 4 बजे कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं कि कैसा रहेगा वो जगह। बाकी इधर ना बाड़मेर शहर में आपको कोई जगह नहीं मिलेगी घूमने की, तो वो थोड़ा सा सर्च किया तो पहाड़ी जैसा है, देखेंगे अगर पहनो। देखते हैं कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी छोटी छोटी खुशियों में तो ही खुशियाँ ढूंढी जाती है ना, तो बस वही है। ये जगह ना ऐसी है, थोड़ा आउटेड है, तो यहाँ पे घूमने वगैरह का कुछ भी नहीं है, मतलब दूर दूर है, दूर दूर है। तो आज संडे में कहीं जा नहीं सकते, शाम को बस 3-4 घंटे में वही 8-8:30 बजे इन होना पड़ता है अंदर, तो इतने में ही हमको जाना है और आना भी है। तो अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ आउटिंग हो जाएगी, और पापा ने कहा कि छोटी मोटी चीज़ें ले लेंगे और वहीं पर बैठ के ना आराम से, अगर पहाड़ी में अच्छी होगी तो वहीं पर बैठ के आराम से अपना खाना जो भी है, खाना वगैरह जो भी मतलब चाय वगैरह है या स्नैक्स वगैरह है वो खा के आ जाएंगे। तो वही है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। ये देखो, और ये मुझे कैसे देख रहा देखो मैंने ये भी पहन लिया, है, टूक 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 देख रहा है मुझे, ये भी टूक पहन टूक लिया टूक। मैंने जल्दी। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं बाद में आपको 4 बजे के टाइम पे। तो दोस्तों अब हम हो चुके हैं रेडी, और टाइम हो रहा है 7:15। कितनी भी जल्दी कोशिश कर लो करने की, लेकिन हो नहीं पाता है जल्दी, तो इसलिए बस अभी 4:15 में तैयार हो रहे हैं। और चाय मैंने साथ में रखी है, चाय पियेंगे फिर चलेंगे। और मैं इसका लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओ ये देखो कि तैयार हो चुका है यहाँ पे। बाकी ना इसका इसका ये दो एक जोड़ी कपड़े लेके जाके कभी भिगा भिगा देना,
बच्चों का भरोसा नहीं रहता है। तो ये रेडी है और हम भी रेडी हो चुके हैं और काव्यांश के पापा रेडी हो गए, काव्यांश भी रेडी हो चुके हैं। काव्यांश इधर आओ, जल्दी आओ, इधर है काव्यांश। काव्यांश का लुक है। चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ। चलिए चाय रख देते हैं, भी तो आएंगे। तो हम हो चुके हैं रवाना, कहाँ जाने के लिए? अभी तो फिलहाल हम पार्क में जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? घर से निकल गए हैं, घर से निकल गए हैं। और क्या हिल पे जा रहे हैं? हिल में जाएंगे, इसके बाद थोड़ी देर बाद अभी हमें घुमाएंगे भैया, इनको सब जानकारी है यहाँ के बारे में। अच्छा महावीर पार्क कहते हैं उसको यहाँ, महावीर पार्क। ठीक है ठीक है, तो अभी पहले चलेंगे महावीर पार्क और फिर ही चलेंगे। ऐसे बच्चा हमें हिल वगैरह कह रही थी ना, क्योंकि अभी भी वहाँ धूप होगी तो सही नहीं है। बाकी सफ़र तो क्या दिखाना, आपको व्यू दिखाती हूँ उधर का, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। दोस्तों तो मैं यहाँ पे ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जहाँ पे हम जा रहे थे ना महावीर पार्क था जो जिसका नाम, वो पार्क ना किसी सोसाइटी का पार्क था। जैसे ना यहाँ पे होते हैं पार्क ना, इधर सोसाइटी में पार्क होते हैं जैसे, वैसे ही पार्क था वो। तो मतलब हमारा पोपट हो गया वहाँ पे, ऐसा पार्क था वो। तो फिर वहाँ पे तो हम रहे नहीं, तो फिर हम ना हिल के लिए निकल गए थे, और वो हिल निकलते निकलते हम यहाँ पहुँच गए, और जहाँ रास्ता बंद था ये भी। बट सीन जो था ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और काफ़ी सुंदर था। पैदल चलना पड़ा हमें थोड़ा, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कहीं भी जाओ साथ में तो अच्छा ही लगता है। तो चले गए थे हम, फिर पहुँच के ही दिखाती हूँ मैं वहाँ का सीन के किस तरीके से था। और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता था कि कैसे वहाँ पे ये पार्क निकलेगा, फिर हम ऐसे निकल जाएंगे ना जल्दी से, हम सडन मतलब इधर निकल जाएंगे। तो बस देखिए आप इधर, बैठ जाता हूँ अभी हम फिलहाल भाग भाग के लिए यहाँ पे से कुछ छोटा मोटा सामान चिप्स वगैरह लेने जाने लगे हिल्स में। आई होप कि हिल्स ही हो, मतलब अच्छी हो। चलिए फिर। तो ये है वो जगह, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, और इधर भैया है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज ये देखो अंशु का आउटफिट, हेलो कर दो। ये मेरे छोटे से व्यूअर जो मेरे ब्लॉग्स देखता है ना, देखता है ना। और ये है काव्यांश, ये है भाभी, हेलो। कैसा लग रहा है फिर आपको जाके दी? अभी तो जस्ट पहुंचे हैं ना, लग तो ठीक ही रहा है ना। ठीक है, राजस्थान में ऐसी जगह में ऐसी चीज देखने को मिल रही। तो हम पहुंच चुके हैं ना यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। ये ऐसी जगहों में ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं। हस्बैंड ने पकड़ा उसे, तो ऐसे बारी बारी लगा के चले जा रहे हैं। तो अब मेरी बारी है, तो मैं पकड़ूंगी, सांसें फूलने लगी हैं। तो चलिए अब जब मैं पहुंच जाऊंगी ना तभी करूंगी, क्योंकि इसको गोदी में पकड़ूंगी तो पॉसिबल नहीं होगा ब्लॉग बनाना। तो फिर चलते हैं, ये नज़ारा देखो कुछ इस तरह। पधारो मारे देश जी।
रात की 12 और आप कह रहे होंगे कि रात को 12 बजे वीडियो बना रही है, तो हाँ वीडियो बनानी पड़ी थी उसको। सो नहीं रहा ये, मुझे लगा था सो जाएगा ये, तो वीडियो को ना कल ही शूट करती हूँ क्योंकि थक गए जहाँ हम बता रहे थे हिल एरिया में घूमने की, तो वो ऐसे ही निकला, मतलब कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ काफ़ी इंजॉय किया हमने साथ में, मतलब एक तो ट्रैकिंग जैसा हो गया था तो काफ़ी मज़ा भी आया, तो सनसेट तो दिखा वहाँ से काफ़ी अच्छा, और कहीं जाओ घूमने साथ में तो इंजॉय करने को मिलता है तो अच्छा ही लगता है, और बच्चों की ना आउटिंग भी हो गई, मतलब एक दो महीने बाद गया था उसको घूमने, तो काफ़ी अच्छा लगा उसको साथ में, और थक भी गया बेचारा बिना बोले, मतलब सो गया क्योंकि पैदल ना बहुत चलना था वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ठीक था नेचर के, नेचर में गए तो अच्छा लगा काफ़ी, राजस्थान में नेचर से देखने वो नहीं मिलेगा था, तो खैर वैसे ही अपने तरफ पहाड़ नहीं थे मतलब खास, लेकिन वही है कि थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट हो जाता है, ठीक लगा, जैसे यहाँ घूमने लायक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमने ये रिस्क ले ही लिया कि चलो देखते हैं क्या है, तो ठीक था, अच्छा था, बाकी जैसे मतलब एक्सपेक्टेशन थी वैसे तो नहीं था, लेकिन ठीक था। तो मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को ना इतना ही रखती हूँ, कल की और आज की वीडियो, मतलब इस वीडियो को और कल के जो थोड़े से कैप्चर करती मैं उनको ब्लॉग को मिक्स करके ना कल ही ब्लॉग अपलोड करती, लेकिन ये सोया नहीं तो इसलिए मैंने कहा चलो इस ब्लॉग की एंडिंग कर ही देती हूँ, छोटा सा बनेगा लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो सोता नहीं है, तो चलिए इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं, और पहुँचने की बात करूँ तो 8 बजे के लगभग पहुँच गए थे, फिर वही खाना वगैरह खाते खाते 10:30 बज गए थे, तो साथ में ही कर लिया था हम लोगों ने डिनर, जिनके साथ गए थे भाभी लोग, तो साथ में ही कर लिया था डिनर। तो चलिए फिर इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं मिलती हूँ आपको जल्द किसी नए ब्लॉग के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ, अपना ध्यान के मसे वैसे ही है, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, थक लगी बहुत ज़्यादा, ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग ही जैसा था वो, तो चलिए फिर गुड नाइट।